अयोध्या के राज सरोवर और उनके रक्षकों की ये दुर्गति उन बालकों ने की। भैया अवश्य ही कोई उनकी सहायता कर रहा है। लक्ष्मण भैया ये तो भाग गए, आज भी नहीं पकड़े जा सके क्या? प्रतीत होता है कोई विलक्षण बालक हैं, जिन्होंने आप सबकी ऐसी अवस्था कर दी। सैनिकों कह दो अपने अयोध्या राजा से माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम के जय श्री उनसे दूर चली गई हैं। अब आपके प्रभु की सेना हम दोनों जैसे बालकों से युद्ध करने में असमर्थ है। उन बालकों का इतना दुस्साहस। हनुमान यथा शीघ्र सभी गुरुजनों मंत्रियों एवं अन्य सभासदों को राजसभा में आमंत्रित करो। जो आज्ञा प्रभु। कैसा विचार उत्पन्न हुआ है प्रभु के हृदय में, कहीं वो राजसभा इन बालकों के विरुद्ध कुछ करने के लिए तो नहीं बुला रहे? दो बार तो लवकुश का युद्ध उनके ही परिवार से होते होते रह गया, अब ज्ञात नहीं आगे क्या होगा। प्रभु की भेंट तो आ गई है माता, अब तो यही मनोकामना है कि शीघ्र वो भी आए और हमें अपने साथ ले जाए। लवकुश के धनुष ये तो टूट चुके हैं, कहीं कोई संकट का सामना तो नहीं करना पड़ा मेरे पुत्र को? माता आप चिंता मत कीजिए, वो हमारी एकाग्रता भंग हो गई थी इसलिए ऐसा हुआ, हम पे कोई संकट नहीं आया था। हाँ हम पर संकट आ भी कैसे सकता है। माँ आप अपना संपूर्ण ध्यान पूजा में लगाइए, अन्य सभी चिंताएं हम पर छोड़ दीजिए। अब हम पुष्प लेने ऐसे जाएंगे कि किसी को ज्ञात भी नहीं होगा कि लव और कुश, हम पे विश्वास तो कीजिए माता। सैनिकों कह दो अपने अयोध्या राजा से माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम के जय श्री उनसे दूर चली गई हैं। इन दो बालकों के शब्द कल प्रजा के शब्द बनकर पूरी अयोध्या में गूंज सकते हैं। महाराज श्री राम के लिए प्रजा के मन में विश्वास का हास हो, उनके प्रभुत्व को ठेस पहुंचे, उसके पूर्व भी हमें कुछ करना होगा। पुत्र राम आपको अश्वमेध यज्ञ करना होगा। अश्वमेध यज्ञ? किंतु प्रभु माता सीता का त्याग कर चुके हैं, फिर पत्नी की उपस्थिति के बिना अश्वमेध यज्ञ कैसे संभव है ऋषिवर? उसके लिए तो विवाहित युगल को साथ में यज्ञ करना अनिवार्य होता है। उस अवस्था में प्रभु श्री राम को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। ऐसा सुझाव दे दिया इन्होंने, प्रभु माता के होते हुए दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं, और फिर उनके तो दो पुत्र भी हैं। यदि माता को यह ज्ञात हो गया तो
तो वो पूरी तरह से टूट जाएंगी। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। वचन लिया है मैंने संपूर्ण जीवन एक पत्नी के प्रति समर्पित रहने का वचन। फिर आप मुझे पुनर्विवाह का सुझाव कैसे दे सकते हैं? राजधर्म के निर्वाह हेतु मैं अपनी पत्नी से विलग अवश्य हुआ, किंतु मैं अपना वचन कदापि नहीं तोड़ूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। किंतु फिर धर्म की स्थापना कैसे होगी महाराज? पुनः अश्वमेध यज्ञ नहीं हो पाएगा प्रभु, अयोध्या की शक्ति क्षीण हो जाएगी महाराज, आपकी महिमा खंडित होगी महाराज। इस प्रकार तो प्रभु पूर्ण रूप से टूट जाएंगे। अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाए तो वो अपने आप को असफल मानेंगे। ऋषिवर कोई तो उपाय होगा, शास्त्रों के अनुसार कोई ऐसी विधि अवश्य होगी जिससे मेरे प्रभु का अश्वमेध यज्ञ दूसरा विवाह किए बिना संभव हो सके। ऋषिवर वो उपाय तो आप ही सुझा सकते हैं। हमें और संपूर्ण संसार को यह ज्ञात है कि आपने एक पत्नी वचन लिया है, और आपका यह वचन भंग हो ये कोई नहीं चाहता। हनुमान के प्रेरित करने पर माता जानकी की अनुपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ करने का शास्त्र सम्मत उपाय मुझे सूझा है। पत्नी की अनुपस्थिति में राजा उनकी स्वर्ण प्रतिमा को साथ में रखकर अश्वमेध यज्ञ करने का प्रावधान है। ये अच्छा हुआ, इस प्रकार तो प्रभु का वचन भी नहीं टूटेगा और राम राज्य की स्थापना भी होगी। गुरुदेव ये तो अति उत्तम उपाय है, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। गुरुवर आपके इस समाधान से मैं असत्य वचन कहने के दोष से रक्षित हुआ। अब राजधर्म का कर्तव्य निभाते हुए मैं अपनी सीता को दिए हुए वचन पर भी अडिग रह सकूंगा। स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम महः स्वाहा, ओम जनः स्वाहा, ओम तपः स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम इदम् अग्नये स्वाहा।
पिछले यज्ञ के समान इस बार भी मैं भ्राता शत्रुघ्न को ही इस दिग्विजय यात्रा सुनिश्चित करने वाली सेना का सेनापति और हनुमान को इस यज्ञ के अश्व और सेना का संरक्षक घोषित करता हूं। आयुष्मान भव, ताचरी तो पूर्व के समान अपने पुष्कल को भी अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। अवश्य पुत्र पुष्कल, तुम उचित समय पर ननिहाल से लौटे हो। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी आप तीनों रघुवंश के ध्वज को झुकने नहीं देंगे। अश्व पुनः दिग्विजय यात्रा पूर्ण कर लौटेगा। बड़े हर्ष की बात है, चारों दिशाओं में प्रभु श्री राम का गुणगान हो रहा है। मुझे विश्वास है ये दिग्विजय यात्रा बड़ी ही सुलभ होगी, इसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। पूर्व के समान इस बार भी हम प्रत्येक बाधा और दुविधा का सामना सफलता पूर्वक करेंगे। राम राज्य की स्थापना होने के कारण कदाचित इस दिग्विजय यात्रा में प्रभु श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ को रोकने का साहस कोई नहीं करेगा। ये क्या हो रहा है? यज्ञ का अश्व, हमारे सैनिक किस अनिष्टकारी शक्ति के प्रभाव से स्तंभित हो गए? यह कैसी विचित्र और अनर्थकारी घटना है? कैसे उत्पन्न हुआ यह संकट? यह कैसे संभव है? तो बहुत ही असामान्य है। वहां तो जैसे संपूर्ण प्रकृति स्तंभित हो गई है और यहां वायु का इतना तीव्र प्रवाह है। अवश्य ही यहां किसी अति शक्तिशाली अशुभ शक्ति का वास है। आप तनिक भी चिंता ना करें हनुमान जी,
इतने वर्षों के अथक परिश्रम और अभ्यास ने मुझे और सक्षम बना दिया है। मुझे अनुमति दीजिए, मैं आगे बढ़कर पता लगाता हूँ यहाँ किस शक्ति का दुष्प्रभाव है। पुष्कल में आया परिवर्तन अत्यंत सराहनीय है। आत्मविश्वास के साथ उसका व्यवहार भी अधिक संतुलित है और वो अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझने लगा है और उसे निभाने के लिए उसने हनुमान जी से अनुमति भी मांगी। उचित है पुष्कल, तुम ही आगे बढ़कर देखो। इस असामान्य स्थिति का कारण क्या है? पारदर्शी अनिष्टकारी आकृति अवश्य ही किसी संकट का संकेत है और यह पुष्कल तो उसी की ओर बढ़ रहा है। मुझे पुष्कल को रोककर उसकी रक्षा करनी होगी। आगे मत जाओ पुष्कल, रुक जाओ, रुक जाओ पुष्कल, पुष्कल आगे मत जाओ। ये तो कोई अज्ञात शक्ति है जो अपना विस्तार कर हनुमान जी को लील रही है। मुझमें भी हनुमान जी के समान संकट का आभास करने का सामर्थ्य होता तो ये स्थिति ना होती। हनुमान जी ने तो मेरी रक्षा कर ली किंतु स्वयं संकट में आ गए हैं। हनुमान जी पर इस शक्ति का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। निष्क्रिय निस्तेज होते जा रहे हैं हनुमान जी। यदि संकट मोचन हनुमान स्तंभित हो गए तो सब पर संकट छा जाएगा। ये कैसा संकट है जिसका प्रभाव हनुमान जी भी नहीं संभाल सके। इस शक्ति से हनुमान जी का यथाशीघ्र मुक्त होना अति आवश्यक है। महाबली हनुमान, राम भक्त हनुमान की ये दशा कैसी हो सकती है? इस अज्ञात महासंकट से कैसे मुक्ति पाएंगे हनुमान? धर्म के लिए, राम राज्य के लिए, मर्यादा के लिए, प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए हनुमान का क्रियाशील होना तो अत्यंत आवश्यक है। विचित्र विकृत संसार है ये, जहाँ सभी कुछ स्याह है, जड़ है। ये तो अवश्य कोई माया ही थी जो हनुमान जी को अधिक समय के लिए प्रभावित नहीं कर सकी। किंतु ये रहस्यमयी माया है क्या? शत्रुघ्न भैया, और समीप मत आइए। आप मुझे ज्ञात कर लेने दीजिए ये क्या माया है और इसका तोड़ क्या है। यहां तो सब कुछ जहां था वही जड़ हो गया है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसका प्रभाव है ये? ये तो संपूर्ण नगर है इस अज्ञात शक्ति के प्रभाव में। कुछ ज्ञात हुआ हनुमान जी? हमें बताइए हनुमान जी, क्या हम सहायता के लिए आगे बढ़े? नहीं, संपूर्ण नगर है इसके प्रभाव में और ये भयंकर शक्ति तो बढ़ती ही जा रही है, इसलिए आप लोग थोड़ा पीछे ही हो जाइए। क्या हनुमान अकेले संपूर्ण नगर शत्रुघ्न और पुष्कल के साथ मिलकर सेना और अश्व को मुक्त करा पाएंगे? किसी प्रकार तो ये ज्ञात हो कि इसके पीछे क्या है और कौन है। जो भी हो, जहां से भी आए हो, मेरे भीतर समा जाओगे। तुम्हें ज्ञात होने के पूर्व निकल जाऊंगा मैं। ये अवश्य ही कोई बहुत बड़ी मायावी शक्ति है जिसने सबको इस प्रकार स्तंभित कर दिया है। मुझे शीघ्र ही ज्ञात करना होगा कि कौन कर रहा है यह सब। मुझे प्रतीत हो रहा है कि जैसे मुझे कोई खींच रहा है। यही होगा वो मायावी दानव जिसने ये सब किया है। अभी लाता हूं इसे उचित मार्ग पर। ये क्या? ये तो धुएं की भांति यहां वहां उड़ रहा है। कौन हो तुम? छुप कर वार कर रहे हो? साहस है तुम्हें तो मेरे सम्मुख आकर वार करो। सामने आने में, इसलिए तुम छुपे हुए हो भीरू। इन सब को स्तंभित करके बंदी बनाए रखना चाहते हो तुम, किंतु मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। तुम जैसे असुर राम काज में कभी बाधक नहीं बन सकते। इन सब की मुक्ति का कोई न कोई उपाय मिल जाएगा मुझे प्रभु श्री राम की कृपा से। ये क्या हो रहा है? ये सब तो पुनः स्तंभित हो रहे हैं। ये युक्ति तो असफल हो रही है। मुझे कोई अन्य युक्ति लगानी होगी। यदि सबको एक साथ सामान्य करूं तो कदाचित ये युक्ति सफल हो जाए। श्री राम, जय श्री राम।
हम पूर्ववत हो गए। धन्यवाद हनुमान जी। धन्यवाद हनुमान जी। हाँ, अंततः युक्ति सफल हो ही गई। पुनः स्तंभित हो गए। मैं क्या करूं, कैसे इन्हें स्वस्थ करूं? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। प्रत्येक कार्य और मार्ग में परीक्षा की घड़ी आती है, किंतु परीक्षा देने वाला ही सफल हो सकता है। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।